है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान से निपटने में उदारता से पेश नहीं आएगा। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। कि मैं आपसे हर दफा आता, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर, एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। अमेरिकी खुफिया विभाग की इस रिपोर्ट में उन जोखिमों का जिक्र किया गया है जो साल 2023 में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पेश कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने के साथ साथ चीन, यूक्रेन और रूस के अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। अमेरिकी संसद की सुनवाई के दौरान इस रिपोर्ट को पेश किया गया। इसमें बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरे रिश्ते गंभीर चिंता के विषय हैं। सीमा विवाद के चलते भारत पाकिस्तान देशों के बीच अब तक 3 बार युद्ध हो चुके हैं। इसके साथ ही दोनों देश एक दूसरे पर अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों देशों के बीच तल्ख बयानबाजी भी हुई थी। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने साल 2015 में अफगानिस्तान से लौटते हुए अचानक पाकिस्तान जाकर सबको चौंका दिया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उन्हें लेने हवाई अड्डे पहुंचे थे। इसके बाद पीएम मोदी नवाज शरीफ की पोती की शादी में भी शामिल हुए थे और दिल्ली लौटने से पहले दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई थी। पीएम मोदी की इस अघोषित पाकिस्तान यात्रा ने भारत पाकिस्तान रिश्तों के जानकारों को चौंका दिया था। हालांकि इसके बाद पठानकोट वायुसेना अड्डे, उरी के सैन्य अड्डे और फिर पुलवामा में सैनिकों के काफिले पर हमले ने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट भरने का काम किया। उरी और पुलवामा के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। ट्रंप सरकार में अमेरिकी विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो ने हाल ही में रिलीज हुई अपनी किताब में दावा किया है कि साल 2019 के फरवरी महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई थी। पोम्पियो ने लिखा है, दुनिया को शायद ठीक से ये नहीं पता है कि भारत और पाकिस्तान साल 2019 की फरवरी में परमाणु युद्ध लड़ने के कितने करीब आ गए थे। सच तो ये है कि मुझे भी ठीक से नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वे काफी करीब आ गए थे। पोम्पियो ने लिखा है कि वह वो रात कभी नहीं भूलेंगे जब वो हनोई में परमाणु हथियारों को लेकर उत्तरी कोरिया के साथ बातचीत कर रहे थे और भारत पाकिस्तान ने कश्मीर की उत्तरी सीमा को लेकर दशकों पुराने विवाद में एक दूसरे को धमकाना शुरू कर दिया था। हालांकि परमाणु युद्ध को लेकर किए गए दावे पर भारत सरकार की ओर से औपचारिक टिप्पणी नहीं आई है। अमेरिकी खुफिया विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में दोनों देशों के बीच तनाव को चिंताजनक बताया गया है। हालांकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि दोनों देश साल 2021 की शुरुआत में हुए संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर आपसी सहमति बनने के बाद अपने संबंधों में मौजूदा शांति को बनाए रखने में इच्छुक नजर आते हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया गया है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान एक लंबे समय से भारत विरोधी चरमपंथी समूहों का समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान अगर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई करता है या वह ऐसा करता हुआ दिखता है तो उस पर भारत की ओर से सैन्य पलटवार किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की ओर से असली उकसावे पर सैन्य बल के साथ जवाब देने की संभावना ज्यादा है और नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? आप डर रहे हैं, ठीक है, डर आपका बजा, क्योंकि आप भी नविश्ता दीवार पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की। आपने करना क्या है? मुल्क का सत्यानाश तो हो गया है। आप कह रहे हैं इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी, वो इसलिए देखिए, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20 में नहीं गए और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर है कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। ये कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता है और इंडिया के मुतल्लिक एक सॉफ्टवेयर अप्रोच। इस तमाम तरह सूरत हाल में या सब हम देख रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में सियासी माहौल बन चुका है और मुल्क मसाइल की दलदल में धंसता चला जा रहा है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया। भाई दुख और अफसोस के साथ प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत, इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। दुनिया भर से हम देख रहे हैं कि इस वक्त तजयीती पैगाम का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना डिफेंस सेल्फ रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है, और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज जो है उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए जारी बात है इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं अमेरिकन, यूरोपियंस को, इसराइलीज को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज व्हाट वी कैन डू। अगर मैं अब इसको ये बताऊँ कि अब जहर बात, हम एक मिसाइल डिफेंस शील्ड बना रहे हैं 4 लेयर का। जितना मैंने उस शील्ड के बारे में पढ़ा, दैट विल बी द बेस्ट शील्ड इन द वर्ल्ड, दिस विल इवन बीट S-400 इन द कैपेबिलिटीज व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट द इंटीग्रेटेड शील्ड व्हाट वी आर बिल्डिंग। ये तो इलीगल है, ये तो कोई एक इन अ सेंस ये एक क्राइम है। क्यों कर रहे हैं भाई? एक और मसला है नाज़रीन जो निहायत अहम है, और वो मसला है सिक्योरिटी का मसला। यानी कि एक तो पाकिस्तान ने असल में करा है
तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा, ये अमेरिकन कह रहे हैं। डिफेंस पैक्ट है, उसके अलावा क्वाड का एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें इंडिया और जो है जापान और यूएस है, उसके अलावा जो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी उन्होंने दी। आज 471 रेलवे इंजन का ऑर्डर हमारे पास रखा, एक टाइम हम डीजल के इंजन इंपोर्ट करते थे मोदी जी के आने से पहले, 471 ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका जा रही है। जो सरहदें हैं उसका दिफा जो है जब तक मजबूत नहीं होगा, बैरूनी खतरात से भरपूर तरीके से लड़ना मुश्किल होगा। मैं कम से कम इस बात पर कायल नहीं, ज्यादातर चीजें गलत हैं, ज्यादातर चीजें गलत हैं, अगर नहीं होते तो पाकिस्तान ऐसा हालत में नहीं होता। जहां देश की बात आती है ना वो जहां हिंदुस्तानी होगा, वो जहां देश की बात आती है ना आगे देखता ना पीछे देखता, चाहे वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रह रहा हो, हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में रह रहा हो, वो अमेरिका में रह रहा हो, आर्मेनिया में रह रहा हो, जब देश की बात आएगी कोई आगे पीछे नहीं। पाकिस्तान को गाड़ियों के, कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के, मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दे तो यू नो यू विल गो बैक टू बुलाकाट एज। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आप जो अपना मेकअप करती हैं, आप जो हेयर कलर करती हैं एज अ वुमन, मेड मे बी मेबेलिन, मेड रेवलॉन, मेड बी मैक, मेड बी कवरगर्ल, ये भी आपका बाहर से ही आता है, ये भी आपका बाहर से ही आता है। अगर ये आना बंद हो जाए आपको सर में देसी मेहंदी लगानी पड़ेगी मैम। यू आर अ मुस्लिम, यू आर अ मुस्लिम, प्लीज बी प्राउड ऑफ योर ग्राउंड रियलिटीज एंड प्लीज बी प्राउड ऑफ योर ग्राउंड रियलिटीज मेहंदी। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी डोनिंग अ मेहंदी ऑन माय हेड रादर देन अ फेक कलर। मैं आपको पिछले 50 साल की यंग हिस्ट्री से, पिछले 50 साल की यंग हिस्ट्री से आई विल गिव यू 10 रीजंस दैट व्हाई आई एम अशेम्ड टू बी अ मुस्लिम। आप आज मुझे 3 रीजन बताइए दैट व्हाई यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम, 3 रीजन बताइए। खत्म।